आपको मजीद अपडेट दें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। कत्ल अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है, जिस पर वकील खुर्रम रजा ने कहा, इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नीयत की बात करता है। चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त गुजार को टोकते हुए कहा, इस्लाम को इस केस में ना लाइए, तोबा और राह रास्त पर आने का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। इस्लाम में गुनहगार को मुआफ़ भी किया जाता है। कई मुनकर सिरात मुस्तकीम पर आकर बाद में खलीफा बने, शुरू में तो तीन चार मुसलमान ही थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, एक शख्स दयानतदारी से कहता है वो मैट्रिक है, फिर वो अगले इलेक्शन में भी नाहल कैसे है? आपने जो तफरीक बताई इसमें मुतफिक नहीं हूँ, ऐसे तो कोई गैर मुल्की भी इलेक्शन लड़कर मुंतखब हो सकता है। वकील खुर्रम रजा ने कहा, अदालत सिर्फ 62(1)(f) की तशरीह करनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत 62(1)(f) की तशरीह ही तो कर रही है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप कहते हैं हम 62 और 63 को मिलाकर तशरीह नहीं कर सकते। नासिन, आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि अजीब नहीं लगता क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। कत्ल अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, जिस पर वकील खुर्रम रजा ने कहा, इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नीयत की बात करता है। चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त गुजार को टोकते हुए कहा, इस्लाम को इस केस में ना लाइए, तोबा और राह रास्त पर आने का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। इस्लाम में गुनहगार को मुआफ़ भी किया जाता है। कई मुनकर सिरात मुस्तकीम पर आकर बाद में खलीफा बने, शुरू में तो तीन चार मुसलमान ही थे। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाई चांदनी चौक रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स।